अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी पेंशन स्कीम है जहां पर आपको रिटायरमेंट के बाद 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 तक का अमाउंट मिलता है एवरी मंथ। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अटल पेंशन योजना की स्कीम क्या है, यहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद किस तरीके से रिटर्न्स कमा सकते हैं, किस तरीके से रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले समझते हैं कि अटल पेंशन योजना की स्कीम क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 10-15 सालों में बहुत सारी पेंशन स्कीम लॉन्च की हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोग अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई की स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली अटल पेंशन योजना में क्या होता है कि आप लोगों को पहले से डिसाइड करना होता है कि फ्यूचर में आपको कितनी पेंशन चाहिए। आपके सामने ऑप्शन होता है 1000 से लेकर 5000 के बीच का। आप कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। अब क्या होगा कि जो आपने अमाउंट चूज किया है उस हिसाब से ही आपको आपकी प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 20 इयर्स तक पेंशन स्कीम में प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। और अगर प्रीमियम की बात की जाए तो प्रीमियम का अमाउंट भी वेरी करता है आपके एज और आपके प्रीमियम के अमाउंट को लेकर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप लोग 5000 के अटल पेंशन योजना वाले प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लेट्स से आपकी एज है 20 इयर्स, तो आप लोगों को कंपैरेटिवली प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग 40 इयर्स की एज में अप्लाई करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब इसके पीछे का रीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी इंक्रीज होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में एपीवाई के बारे में कंप्लीट चीज डिस्कस करते हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि अटल पेंशन योजना की स्कीम क्या है। अगर आप लोग अटल पेंशन योजना की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेडिशनल मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करने के लिए आप लोग किसी भी बैंक के पास जा सकते हैं जहां पर आपका अकाउंट है, या किसी भी पोस्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और वहां पर अटल पेंशन योजना का फॉर्म भर के अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं। अकाउंट एक्टिवेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में आधार और पैन कार्ड इज मस्ट। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं अटल पेंशन योजना की स्कीम के लिए, तो सबसे पहले आपको किसी भी पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट पर जाना है जहां पर आपका अकाउंट ओपन है। उस अकाउंट की इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप लोग अटल पेंशन योजना की स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो सेकंड ऑप्शन आपके सामने होता है, NSDL की वेबसाइट पर जाकर अटल पेंशन योजना के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि अटल पेंशन योजना का अकाउंट एक्टिवेट होने के लिए 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट ओपन होने में भी 3 से 4 दिन का टाइम लगे। अगर आप लोग अटल पेंशन योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी एज 18 इयर्स से लेकर 40 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। एक बार अगर आपकी एज 40 इयर्स से ज्यादा की हो गई तो आप अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अटल पेंशन योजना की स्कीम की एक खास बात यह है कि अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तब अटल पेंशन योजना की स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर इस चीज को आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आप लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं या इनकम टैक्स भरते हैं तो आप लोग अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं और आपकी इनकम कम है तभी आप लोग अटल पेंशन योजना की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आपकी इनकम अच्छी खासी है, तो आप लोग पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट कहते हैं। और अगर आप लोग टैक्स पे करते हैं तो आप लोग एनपीएस की स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक रिटायरमेंट प्लान है और पेंशन स्कीम भी है। बाय द वे, अटल पेंशन योजना की स्कीम को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।